हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल, अगर आपका जीवन भी आलस्य से भरा हुआ है और हर क्षण आप यही सोचते हैं कि आज का काम कल कर लिया जाएगा, तो आज आपको ये बात समझ लेनी होगी कि आलस्य ही वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जिसको हमें सबसे पहले त्याग देना है। क्योंकि बाहर के दुश्मनों को तो हम देखते हैं, पहचानते हैं और उनसे बचने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन मन के अंदर बैठे हुए आलस्य रूपी शत्रु को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि यह हमारे मन में बैठे हुए अंदर ही अंदर हमें पतन की ओर ले जा रहा है, हर दिन हमें पीछे की ओर ढकेल रहा है। ज़रूरी है कि मन और मस्तिष्क पर कंट्रोल रखा जाए, हमेशा दिल की ही सुनकर फैसले ना लिए जाएं और हमेशा तर्क शक्ति को ही ध्यान में ना रखा जाए। दोनों के बीच में बैलेंस जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दिल की सुनते रहेंगे तो नुकसान में भी आ सकते हैं और हमेशा दिमाग से ही सोचते रहने पर मानवता को भी धक्का लग सकता है। तो ज़रूरी है कि आप ध्यान से इस बात को समझें कि शरीर को आराम भी देना है, लेकिन आलस्य नहीं करना है। आराम और आलस्य में फर्क है। तो सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक गुरु और शिष्य थे। शिष्य अपने गुरु का बहुत सम्मान करते थे और गुरु को भी अपने शिष्य के प्रति बहुत स्नेह था, किंतु शिष्य बहुत आलसी था और गुरु उसे सही राह पर लाना चाहते थे। इसलिए एक दिन उन्होंने शिष्य को एक पत्थर का टुकड़ा देते हुए कहा कि इस पत्थर को तुम जिस भी चीज से स्पर्श करोगे वह सोने की हो जाएगी, पर इसके लिए तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। मैं परसों वापस लौटूंगा और सूर्यास्त के पश्चात ये पत्थर तुमसे वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर गुरु चले गए। शिष्य बड़ा प्रसन्न था और उसने सोचा कि जो जो चीज़ें मैं सोने की बनाना चाहता हूँ उनके बारे में पहले ही सोच लेता हूँ। सोचते सोचते पहला दिन गुजर गया और वह रात्रि में सो गया। अगला दिन सुबह उठते ही उसने फिर सोचना शुरू किया कि चलो आज तो सब कुछ सोने का बना ही लेता हूँ। सोचते सोचते दोपहर हो गई। उसने सोचा पहले भोजन कर लेता हूँ। भोजन करने के पश्चात आलस्य के कारण उसे सोने की भी आदत थी, तो वह भोजन करने के पश्चात तुरंत सो भी गया। सोने के पश्चात जब वह उठा तो उसने देखा कि सूर्यास्त होने ही वाला है। वह भागा भागा बाजार की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरुजी मिल गए और सूर्यास्त होते ही उन्होंने पत्थर वापस ले लिया। शिष्य उनसे गिड़गिड़ाकर और एक दिन की मोहलत मांगने लगा, पर गुरुजी ने साफ मना कर दिया। इस तरह आलस्य के कारण शिष्य ने अपने जीवन में आया हुआ सुनहरा अवसर खो दिया। आलस्य के कारण वह कुछ भी अपने लिए सोने का नहीं बना सका और सिर्फ मन में सोचता ही रहा, और आलस्य के कारण उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं कर सका। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको भी सीख लेनी चाहिए और सोच लेना चाहिए कि आपको भी जीवन में सीख का ध्यान रखना है। आज से ही बिना आलस्य के अपने जीवन की शुरुआत करें, अपने दिन की शुरुआत करें हर दिन ये सोचकर कि अब आलस्य नहीं करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।